कर करे वृंदावन वासी जत वैष्णवे रगान प्रथम वंदना करी सवार नीलाचल वासी महाप्रभु Yeah.
गदर शिव गदे भगवे श्री कृष्ण जोर कर निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुराय हे नीताई दीन भाई राधा कृष्ण पाते नाय करे दर निताई पार समंद नाई जार वृथा जन्म के लार सही पशु बड़ा दुराचार ना बोलला मुखे मजला संसार दुखे बेटा तोरे की करीबे सार और कोई भजन बोले नरोत्तम नरोत्तम प्रभु हाँ आज तो आज के आपका तिथि है हाँ भजन हाँ दास नरोत्तम दास हाँ बोलो अवतार सर गोरा अवतार सार गोरावतार केनना भजिल तारे हरि निवास गेल न पियास अपन करम विलिमान अमृत पाइवार प्रेम कल्प सर त्रिगौरा गवा
पलास सुकली मान ना साते बसेला केता I got it.
তোমার সকল আমি মাত্র দাস আমার সারিবে তুমি তোমার চরণ করিনু বরণ আমার शरण लय से कुमार पाय कमी अपराध नाम रुचि दिया कमी अपराध नाम रुचि दिया पालन कर हे ताय नीता भजन गाइते बारे गाइते बारे तू भल हाँ भल देख क्यों गाए बिना देख घर गाओ कौन सा गाओ जो याद हाँ जो याद जीवे देखो श्री कृष्णा चैतन्य तुम सजा दे हो गया गाओ I'm not afraid.
सीख गया गाओ तो राधे जय जय माधव गा सकते हो 220 राधे जय जय माधव जय जय मुनिंद्र बृंद से गा मुनिंद्र बृंद बंदिते त्रिलोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निकुंज ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संत गदा करी ससियमा कृपा कटाक्ष ಚಾಕ್ಷಣ ಸಂಪತ ಪ್ರದೀಪ್ತ ಗೌರವೇ ಮುಖ ಪ್ರಭಾಪರಾಟಿಸಾರೇಂದ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರ ಸಂಚಯ ಚಕೋರ ಕದಾ ಕರೀತೀ ಅಮ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಭಜನ ಮದೋದ್ಮದಾರಿ ಯೋಗಿ ಪ್ರಮೋದ ಅನುರಾಗ ರಂಜಿತ ಪರಾ ವಿಲಾಸ ಪಂಡಿತ ಅನ
कटाक्ष भाजन हरे सहा हार भूत से प्रभु तथा कुंभ 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 कुंकनि प्रशस्त मंदहास चूर्ण पूर्ण सौख कदा करी सतीयम कृपा कटाक्ष कटाक्ष भाजन सुवर्ण माली संचित त्रिरूप कंठके त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति सलोल नील कुंतल प्रचूर्ण गुंज गुंजित कदा करी सती अम कृपा कटाक्ष भाजन विलंब बिंबलंब मान करेन्द्र कुंड दंडिता वरोह सौम गौरुके कदा करी सती अम कृपा कटाक्ष भाजन मंद नो पुरार बल समाज राज हंस बंसनी पनाति गौर अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते इमाद्रिजा पुलोमय विरिंचिजा वरप्रभे अपार सिद्धि ऋद्धि दिग्ध तत्पदांगुलिन कदा करी सती अवम कृपा कटाक्ष भाजन महेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी भारती स्वरी रामायण शासनेश्वरी रमेश्वरी प्रमोद कारणेश्वरी ब्रजेश्वरी प्रजादिते श्रीरादिते नमस्ते माधोसव नितम्न भारुनन्दिनि करोतु संत संगनि कृपा कटाक्ष भाजन भवेत दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनम भवेत सदा व्रजेन्द्र सुन मंगल प्रवेशन कदा करी सती अम कृपा कटाक्ष भाजनम सुचारु वस्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचार्चित अंग चंदन नमामि नंदनम सुदीर्घ नेत्र पंकजम त्रिकीर्ति खंड मूर्तजम अनंग कोटि मोहन नमामि नंद नंदनम सुनाशिकाग्र मौक्तिकम स्वछंद दंत पंक्तिकम नवांबुदंग कीर्तनम नमामि नंद नंदनम करेण वेणुरंगितम गति करेन्द्र सदा सुखा प्रदायकम जगन्मनोप्रलोभन नमामि नंद नंदन नमामि नंद नंदन नमामि नंद नंदन नमामि
परमेश्वर एक साथ में गा सच्चिदानंद रूप Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
फिर भक्त लोग आ जाएंगे, प्रसाद बागरे परिक्रमा में जाएंगे, ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य वदा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, अब लोग श्रवण करते होंगे कृष्णदास प्रभु सवेरे साथ दामोदर अष्टक पाठ कर रहे थे। अभी वो बता रहे थे भगवान को कृष्ण को उन्होंने बांध करके रख दिया, अभी तो कृष्ण को खोले ही नहीं, ऐसे है बांध कर रख दिया। इसलिए जब जिस समय मैया यशोदा कृष्ण को बांधने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन कृष्ण तो अनंत है, वो असीम है, जिसका कोई बाहर नहीं जिसका कोई भीतर नहीं, जो लिमिटेड वस्तु है उसको बांध सकते हैं। इसलिए जब जब मैया कोशिश करती थी बांधने के लिए
उसमें कितना अंगुल कम पड़ रहा था? दो अंगुल। हाँ, आप लोग सुने होंगे दो अंगुल क्यों कम पड़ रहा था। पहला नंबर है भक्तों का चेष्टा और दूसरा नंबर है भगवान का कृपा। कहते जब ये दो चीज मिलेगी तभी जा कर के ये काम बन सकती है, नहीं तो काम नहीं बनेगा। इसलिए उसमें शायद उदाहरण देते होंगे, एक बंदर न्याय और एक, उदाहरण नहीं दिया, एक बंदर न्याय और एक मार्जा न्याय। बंदर न्याय मतलब क्या? वृंदावन में तो बंदर बंदर ही देखे होंगे, कितने बंदर है। बंदर का बच्चा क्या करता है? वो माँ को जोर जबरदस्ती पकड़ कर रखती है, लेकिन मैया कुछ नहीं करती है। अब बंदर यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छलांग लगाता है। अगर बीच में कहीं उसका बच्चा बंदर छोड़ दिया ना, फिर उसको माँ नहीं उठाता है, बोले तू नाला क्यों, तेरे को मैं नहीं लेती तो, इसलिए उसको छोड़ देती है। इसलिए एक बंदर न्याय है। बंदर न्याय मतलब क्या है? हाँ, जब साधक कोशिश करता है हम भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, अपना चेष्टा से भगवान को प्राप्त करने के लिए चाहता है, ये बंदर न्याय। क्या दूसरा है? मार्जार न्याय। बिल्ली को आप लोग देखे होंगे, बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता है, उसको माँ मुंह में पकड़ करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दस दस बार हम जगह बदलाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कुछ कुछ ऐसे लोग है वो क्या कहते हैं, भैया ठाकुर के इच्छा के बगैर एक तो पता भी नहीं हिलता है। जो उसकी इच्छा के बगैर एक पता नहीं हिलता है, हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जब होगा ठाकुर का कृपा होगा, जब बरसेगा, हैं ऐसे कुछ लोग है। लेकिन कहते हैं ये दोनों ही फेल है, ये दोनों ही फेल है। फिर क्या करना पड़ेगा? बोले दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर काम बनेगा। जोड़ना पड़ेगा मतलब हमको साधन करनी चाहिए, बगैर साधने के साध्य किसी को अभी तक मिला ही नहीं। एक समय महाराज के साथ में, गुरु जी के साथ में, जब हम ध्रुव टीला में हम लोग गए थे दर्शन करने के लिए, जब गए थे वहाँ पर एक साधु भजन कर रहा था। भजन कर रहा तो गुरु जी से उन्होंने प्रश्न किया, बोले गुरु जी इतना दिन हो गया हम यहाँ भजन करते करते ध्रुव जी की टीला में, ध्रुव जी को तो 6 महीना में ठाकुर जी मिल गए थे, मेरा बहुत दिन हो गया लेकिन अभी तक मुझे ठाकुर प्राप्त नहीं हो रहे। मैंने सुना था ध्रुव जी यहाँ पर 6 महीना में भजन करके भगवान को प्राप्त किया, इसी लोभ से मैंने यहाँ पर भजन करने के लिए आया हूँ, मुझे भी जल्दी से जल्दी सिद्धि मिल जाए। गुरु जी को प्रश्न किया, देखो गुरु जी क्या कहते हैं। गुरु जी ने कहा देखो जब तुम्हारी साधन ऐसे साधन हो, जब प्राण में, जब तुम्हारी प्राण होठ में आ जाए, प्राण होठ में आ जाए मतलब क्या है? हाँ, मंत्र साधन की वा शरीर पतन, मंत्र साधन की वा शरीर पतन। जब तक ऐसे नहीं होगा, भले ही ये शरीर हमारी पतन हो जाए लेकिन हम भगवान को प्राप्त करके ही हम रहेंगे। हैं, जब तक वो नहीं मिलेंगे तब तक हम भजन नहीं करेंगे। जब गुरुजी बोले जब तक ऐसे नहीं होना, ऐसे भगवान नहीं मिल जाते हैं। खाए पिए मस्ती से हंसी दिल की कर रहे हो, खा रहे हो पी रहे हो, रोज भंडारा चल रहा है, इसलिए भगवान को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें साधन करने का जरूरत है। बगैर साधन के, गुरु जी बोले साध्य नहीं मिलते हैं। तब गुरु जी ने कहा भैया ध्रुव जी को मिला कैसे? आप लोग सुने होंगे ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए आए, पहले तो बेर फल खा करके भजन किया, कितने दिन अंतर में? 3 दिन को बाद में जब वो साधन में बैठते थे, 3 दिन तक गुरुदेव का पेशाब बंद, पायखाना बंद, खाना बंद, सबके सब बंद, 3 दिन तक कंटिन्यू एक जगह में बैठ करके हैं एकदम एक मन से भगवान के भजन करते थे। लेकिन हम लोग अब देख लेना, हम आधा घंटा बैठते हैं ना तब भी मन हमारे कहाँ कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है। पहले पहले हमने जो जो कुछ करके आए हैं मन उधर उधर ही मन ये घूमती रहती है, हैं? इसलिए कहते साधन का सिद्धि कब होएगा? इसलिए आप लोग माधुर्य कादंबिनी पढ़े होंगे, माधुर्य कादंबिनी पढ़े होंगे ना, उसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती कैसे वर्णना करते हैं, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया
अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये जब बैठते 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 जाती ना, जब तैल धारावर्त भजन है, जैसे शहद को जैसे डालो जिसमें उसमें एक धागा बन जाती है, कर जब तक साधन ऐसे निरंतर जमय नहीं हो हैं, एकदम मन लगे तो पूरा ठाकुर जी के चरण में ही मन एकदम डूब जाए, उसमें सारा दुनिया की हैं, सारा दुनिया की सब कुछ भूल जाए, जब मन एक सेकंड के लिए भी इधर उधर मन नहीं जाए। गुरु जी ने बताया तभी तो भगवान मिलेंगे। दूसरे महीना में क्या किया, साधन को बढ़ाया। दूसरे महीना में तो उन्होंने बेर फल खाना ही छोड़ दी, फिर केवल जो पेड़ से पत्ते गिर जाते थे कितना दिन, फिर अपना साधनों को बढ़ाया, छः दिन बाद में एक बार खा लेते थे, छः दिन बाद में एक बार पत्ता को खा लेते थे, और छः दिन तक एक जगह पर बैठ करके मन को पूरा भगवान के भजन में पूरा ये मन को डुबा देते थे, छः दिन तक हैं। उसको जब तीसरा महीना आया फिर साधनों को बढ़ाए, फिर क्या किया, 9 दिन तक जब एक जगह पर बैठे, 9 दिन तक इधर उधर होना नहीं, एक जगह पर बैठ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को एकदम उसमें कंटिन्यू भजन। तो गुरुदेव ने बोले तभी तो जाकर भगवान मिले हैं ना, तभी तो भगवान जाकर के मिले उसको। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए साधन की बहुत जरूरत, इसलिए जो हरिनाम है ना, इसलिए नियम है, जैसे महाप्रभु क्या करते थे, तुलसी को सामने रख करके, तुलसी को सामने बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नियम है, कोशिश करनी चाहिए बैठ करके एक जगह पर ठाकुर के सामने, नहीं तो तुलसी के सामने बैठ करके उनको दर्शन करते हुए, जो तुलसी है, वृंदाई तुलसी देवी प्रिया आई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवती नमो नमो। इसलिए तुलसी को सामने रख करके बैठ करके भजन करनी चाहिए, मन को अपना जो भजन जो साधन है ना, साधन धीरे धीरे हमें बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे साधन को धीरे धीरे हमें बढ़ानी चाहिए, धीरे धीरे साधन। इसलिए गुरु जी ने कहा देखो तभी तो ध्रुव महाराज को 6 महीना में मिल गए ना, हैं 6 महीना में जब उनका मन एकाग्र संपूर्ण हो गया, मन इधर से टस से मस नहीं, जब उन्होंने अपना प्राण वायु को खींच लिया, सारा दुनिया का प्राण, सारा दुनिया की वायु ही बंद हो गया, मतलब उनकी साधन इतने कठोर साधन था, जैसे गुरु जी ने बताया जैसे एक हाथी जैसे किसी नाव में प्याज धरने पर नाव जैसे डगमगाने लग जाती है, इसका साधन इतने कठोर था, जिस साधन से संपूर्ण ये पृथ्वी डगमगाने लग गई, इतने कठोर साधन थी। तब गुरुदेव ने कहा तभी तो ध्रुव जी को मिले, इसलिए आप अभी कैसे साधन करते हो आपको पता होगा, मन कहाँ जाता है, मन क्या क्या डोलता है और मन क्या क्या सोचता है, ये तो आपको ही पता होगा कि मन तुम्हारी कहाँ कहाँ जाता रहता है। हाँ गुरुदेव ने गुरुदेव ने उनको ये बात बताई। इसलिए बंदर न्याय मतलब होता है, जैसे बंदर का बच्चा क्या करता है, माँ को पकड़ करके रखती है, ऐसे ही साधकों को साधन करनी चाहिए, बगैर साधन के अभी तक साध्य वस्तु किसको मिला ही नहीं, साधन को सबको साधन करना पड़ा है। जैसे हमारे भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उनका साधन भी कैसा कठोर साधन था, 2-2.5 बजे उठ करके 3 बजे खाने से पहले भोजन से पहले 1 लाख महाराज नाम पूरी कर लेते थे, उसको बाद में गुरुजी तभी गुरुदेव नाश्ता लेते थे, साधन फिर सारा दिन तक साधन भजन है, उसको बाद में ग्रंथ लिखना प्रचार करना 24 घंटा में। प्रभुपाद ने दिन दिन में 3-3 लाख उन्होंने हरिनाम किया प्रभुपाद। इसलिए जिसका साधन जितना कठोर हो ना, जिसका साधन जितने अच्छा हो उसका प्रचार भी उतना, प्रचार भी अच्छा होता है, इसलिए साधन करना पड़ेगा हमें बगैर साधन के। एक समय श्रील बामन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्रील बामन गोस्वामी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरुदेव
भगवान कैसे मिलेंगे, गुरुदेव भगवान। तब उन्होंने बोले बेटा रोना सीखो। क्या सीखो? रोना सीखो। वो तो चिंता में पड़ गए, बोले हम तो साधु संत को पास में आते, हम संसार तो रो रहे हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई पैसा से दुखी, हम तो संसार में रो ही रहे। और तो हम साधु संत के पास में किस लिए आते जो संसार में रोते हैं, भाई हमारे थोड़ा दुख कष्ट खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो कहते भाई रोना सीखो, उनका तो समझ में नहीं आया रोना सीखो मतलब क्या है। वो वापस गए लेकिन उनका दिमाग में दिन भर घूमते रहा रोना सीखो रोना सीखो, बोले तो रो रहे और कितना रोएंगे संसार में, उनको समझ में नहीं आया। फिर उन्हें दूसरे दिन ही आए, दूसरे दिन आकर के महाराज से पूछे, महाराज जी आप कल बता रहे थे जो रोना सीखो, हम तो संसार में रो ही रहे हैं और रोना क्या सीखेंगे। तब बामन गोस्वामी महाराज ने कहा देख बेटा, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती। जब तक बेटा रोता नहीं ना माँ, तब तक दूध बच्चे को नहीं पिलाता है। इसलिए हम मंदिर में क्यों आए हैं? रोने के लिए। किस लिए आए? किस लिए आए? रोने के लिए। इसलिए महाप्रभु कहते ना, नयनम गलदस्त्र धारया, बदनम गदगद रुधया गिरा, पुलकैर निचितम बपु, कदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। महाप्रभु कहते ना प्रभु, कब ऐसे दिन आएगा जब तुम्हारा नाम को लेकर के आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग जाए, कंठ रुद्ध हो जाए, हृदय प्रेम में गदगद हो जाए। हैं, इसलिए बोले तदस्म सारम हृदयम वदितम। इसलिए अगर भगवान का नाम को लेकर रोना नहीं आता है, समझनी चाहिए अभी हमारी भक्ति पक्की भक्ति नहीं है। हैं, इसलिए हम रोने के लिए ही यहाँ पर आए। लेकिन भक्ति का रोना और दुनिया के रोना में अलग है। भगवान का नाम को लेकर थोड़ा रो हृदय से, देखना हृदय में कितना आनंद है। जो एक बार कृष्ण नाम लेकर के आंखों से एक बार आंसू आ जाए, अब देखना हृदय कितना गदगद हो जाता है। आज ठाकुर का नाम लेकर के हम रोए हैं, इसलिए। लेकिन साधारण रोने में तो कष्ट है, लेकिन भक्ति का जो रोना है वो एक अलग आनंद है। हैं, ऊपर में तो जैसे विषा का ज्वाला, लेकिन अंदर में आनंद की लहरी, आनंद की लहरी हृदय में है। इसलिए हम मंदिर में रोना सीखने के लिए आए, रो हैं। इसलिए क्या नियम है, जब तक नहीं रोएंगे ना तब तक भगवान का हृदय, जैसे बच्चा जब तक नहीं रोता है मैया तब तक दूध नहीं पिलाती है, हैं। इसलिए जब बच्चा सो रहा है मैया घर का काम कर रही है, बच्चा को जो घूम नींद खुल जाती है ना, भूख लगे थोड़ी सी रोता है, वो सोचता है शायद मैया मेरे को दूध पिलाएगी। मैया सोचती नहीं अभी तो काम खत्म हो जाएगी, फिर बच्चा को दूध पिला दूंगी, बच्चा और थोड़ा ज़्यादा से रोता है, मैया आकर दूध पिलाए। लेकिन जब तब भी नहीं आता है ना, बच्चा क्या करता है, फिर तो जोर से लौट पोट खाने लग जाता है, जोर से रोने। फिर मैया सारे काम को रख करके आकर के बच्चे को फिर गोद में ले जाती है। मतलब क्या है, जब तक हम रोएंगे ठाकुर जी तेरे बगैर हम प्राण ही नहीं धारण करेंगे, अगर दर्शन कृपा नहीं करोगे तो प्राण नहीं धरेंगे, भगवान क्या करेंगे, सारे काम को छोड़कर हमें आकर के गोद में ठाकुर जी उठा लेंगे। इसलिए जो पहला जो अंगुल था, जो बंदर का अंगुल क्या है, वो है हमारी साधन की चेष्टा। देखो साधन में जब तक हमको कोई कष्ट नहीं होता है ना साधन में, तब तक भगवान के हृदय भी द्रवीभूत नहीं होता है। इसलिए हमें साधन में कष्ट होनी चाहिए। कष्ट मतलब कैसे, जैसे हम लोग सवेरे सवेरे क्यों उठते हैं, कितना बजे उठ जाते, 4 बजे ना कोई उठ जाते हैं, 3:30 4 बजे कोई उठते हैं, 4 बजे सवेरे सवेरे देखना वो नींद तो उसी समय ज़्यादा नींद आती है। अब विशेष करके ठंडा का समय हो ना, रजाई ओढ़ कर सो, रजाई को कोई 4 बजे कोई शरीर से निकालना चाहते उस समय तो ज़्यादा नींद आती है। लेकिन उसी समय रजाई की खोल करके पानी में नहा करके तिलक लगा करके फिर ठाकुर क्या ये साधन है। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते थे, मैंने राधा रानी का जो निकुंज महल को मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में स्थापन किया है। राधा रानी की निकुंज मंदिर ये गौड़ीय मठ है। जैसे राधा रानी की निकुंज मंदिर में क्या होता है, वहाँ पर सवेरे सवेरे मंजरी सखियाँ उठ करके सबके सब स्नान करके तिलक लगा करके सबके सब मंगल आरती में आते हैं। हैं, मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, आकर के ठाकुर जी को मंगल आरती करते हैं।
इसलिए गोलोक वृंदावन में उसी तरह हम भी क्या करते हैं, अभी राधा कृष्ण सो रहे संकेत में, संकेत में अभी राधा रानी को चले जाना जाबट, कृष्ण को जाना नंदगाम जाना है, हैं अभी लोग उठने से पहले राधा रानी को वहाँ पहुँच जाना है, लोग उठने से पहले मैया जसोदा उठने से पहले अभी कृष्ण को जाकर के मैया के पास में सो जाना, और मैया जब सवेरे उठे ना सोचे मेरे लाला मेरे पास में सो रहा था, लाला मेरे पास में सो रहा था, और जो जटिला कुटिला उठने से पहले क्या देखेंगे, मेरी बहू घर में, अपना घर में ही मेरी बहू थी, हैं इसलिए मंगला आरती में आकर के कीर्तन जो कहते ये साधन है, ये गौड़ी मठ नहीं, ये ट्रेनिंग सेंटर है, जो जितने अच्छे तरह से ट्रेनिंग को लेगा ना बस उसको उतना ही बढ़िया नौकरी मिलेगा, कहाँ पर उनको गोलोक वृंदावन में उतना ही बढ़िया नौकरी वहाँ पर मिलेगा, अगर तुम यहीं पर ही कोई नियमों का पालन नहीं कर रहे हो यहीं पर कुछ फिर वहाँ तो फैले वहाँ जाके जाओगे, वहाँ जा ही नहीं सकते हो वहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सारे रूल रेगुलेशन को यहाँ पर जो जितने अच्छे तरह से रामचंद्रपुर जा जाए, इसलिए जो जितने अच्छे तरह से यहाँ पर सारे अपना जो रूल रेगुलेशन है और भक्ति के नियम को जो जितने अच्छे तरह से पालन कर रहे हैं उनके लिए उतना ही बस नौकरी उनको जल्दी उतना ही नौकरी उसको गोलोक वृंदावन में राधा रानी के पास में बस उतना बढ़िया नौकरी मिलेगा, इसलिए इसका जो पहला अंगुल क्या था साधन, पहला अंगुल क्या था ये साधन, इसलिए साधन जो करे हमें पता चले हम साधन कर रहे हैं, हम किस चीज को एक प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बना करके हम वो चीज को प्राप्त करने के लिए हम साधन कर रहे हैं, ये चीज हमें पता रहनी चाहिए, ऐसे नहीं दिन भर हैं फें फें करते करते उल्टा सीधा फोन में बात करते हुए कटर, इसका मतलब हम मंदिर में क्यों आए, हमारा लक्ष्य स्थिर नहीं है, जो व्यक्ति उल्टा पुल्टा स्मार्टफोन उल्टा पुल्टा चीज में देख करके इधर उधर समय को बिता रहे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तुम मंदिर में क्या है तुमको पता ही नहीं मंदिर में क्यों आए हो, यहाँ पर हम कोई गलती रास्ता पर गए आ गए, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपना लक्ष्य को टारगेट बना करके हमें साधन हमें ठीक ठीक से हमें साधन भजन करनी चाहिए अच्छे तरह से, इसलिए ये जो पहला अंगुल है क्या है, ये पहला अंगुल हमारी ये साधन की जो चेष्टा है ये हमारी पहला अंगुल है, और जो दूसरा अंगुल क्या है कहते भगवान की फिर कृपा है, इसलिए जो दूसरा अंगुल क्या बताए, दूसरा जो अंगुल बताए फिर भगवान की कृपा है, और दूसरा बताया बिल्ली, किसका बताया, एक तो बंदर और एक बिल्ली, बिल्ली क्या करता है वो बच्चा कुछ भी नहीं करता है, उसको माँ है ना मुंह में पकड़ करके जहाँ ले जाना उसको माँ वहाँ ले जाती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम तो साधन करेंगे बगैर साधन का तो साधन नहीं मिलेगा, लेकिन वो साधन कैसे होनी चाहिए, शरणागत होकर के, शरणागत युक्त होकर, ठाकुर जी हम तो चेष्टा कर सकते हैं साधन तो हम कर सकते हैं लेकिन जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होना तब तक हमारा साधन भी फलीभूत नहीं होगा, नहीं होगा साधन, इसलिए कहते न अयम आत्मा प्रवचने न लभ्य न मेदया न बहुना श्रुते न, प्रवचने से भगवान नहीं मिलते हैं, ज्यादा सुनने पर नहीं मिलते हैं, हैं कैसे मिलते हैं, जमे वैसे वृणुते तेन लभ्य, जो भगवान से ही जाने जा रहे देहु जानाई, इसलिए जब भगवान हमारी चेष्टा को देख करके शरणागति को देख करके भगवान की जब कृपा होगा तब भी हमारी साधन फलीभूत हो सकता है, नहीं तो साधन में कोई फलीभूत नहीं होगा, इसलिए हम लोग रोज जो जो भजन गाते हैं ना इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने ये शरणागति लिखे, छह तरह का शरणागति है, इसलिए हमारे मंदिर में हम लोग जो कहते ना निवेदन करी प्रभु तोमार चरणी, उसके बाद में अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षणी, इसलिए हम लोग जो भजन गाते हैं वो सब शरणागति भजन गाते हैं रोज रोज, कारण क्या है, ठाकुर जी के चरण में प्रभु हमने सुना, रोज हम गाते हैं ना वृंदावन वासी जाता वैष्णव गण भजन गाते, उसमें क्या कहते हैं, प्रभु हमने सुना आप पतित पावन हो, हैं पतित पावन आप हो, आप पतित गोपर आप जल्दी कृपा करते हो,
और पतित में हम सबसे ज्यादा पतित हम ही है, हमसे बड़ा पतित जगत में कोई नहीं। जब जगाई माधाई जैसे व्यक्ति को जब आपने कृपा किया है, हम भी तो जगाई माधाई है से मुहि से पापिष्ट, इसलिए कृष्णदास के बिराज को स्वयं क्या कहते हैं, जगाई माधाई है तो मुहि से पापिष्ट है, पूरी सिर कीट है तो मुहि से लघिष्ट, मोर नाम लय जय तार पाप है, मोर नाम सुने जय तार पुण्य है, एमन निर्घिन मर केवा कृपा करे एक नित्यानंद बिना जगत में आधार। हम इसको इसलिए हमारे क्या कृष्णदास के विराज घोषणा में ऐसे थे, वो तो कहाँ मंजरी है राधा रानी के नित्य परिकर वो है, लेकिन उसको प्रार्थना क्यों करते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, हैं? जैसे जिस वृक्ष में जितना ज्यादा फल हो गए ना, वो क्या होगा, वो पेड़ उतना ही नीचे झुक जाती है, उतना ही नीचे और झुक जाती है। इसलिए कृष्णदास जितने हमारे भक्त विनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर और हमारे श्री लोचन दास ठाकुर, आप अक्सर करके देखना जितने सब भजन गाई, सब शरणागति युक्त भजन है, हमारे अंदर में विचारिते आ वही गुण नहीं पा वही। इसलिए अगर विचार करने के लिए आओगे तो हमारे अंदर में कोई भी गुण, हमारे अंदर में कोई भी हमारे अंदर में गुण नहीं, पापी से हम पापी है, हैं कहते टाटी के बिष्टा से भी हम गए बिता है, हमारे नाम लेने से पाप होता है। जब ऐसे हृदय में शरणागत युक्त जब ऐसे साधन भजन होगा ना, फिर ठाकुर जी की कृपा होगा। इसलिए जो हम रोज रोज जो भजन गाते, मेरे गुरुदेव कहते थे ये जो शरणागति कीर्तन, मेरे गुरु जी कहते थे और मेरे गुरुदेव ये जो शरणागति जो कीर्तन है वो इतने महत्वपूर्ण, गुरु जी कहते थे अगर एक लाइन को कहते पूरा कीर्तन नहीं, किसी कीर्तन का एक लाइन को अगर हम जीवन में उतार दिया तो भगवत प्राप्ति हो जाए। तो मेरे गुरुदेव कहते थे, कहते हम वेद वेदांत उपनिषद को ढूंढ पढ़ करके ढूंढ करके जो निकाल नहीं सकते हैं, गुरु वर्ग ने ये शरणागति कीर्तन में वो सब चीज दिया। इसलिए हमारे मंदिर में रोज रोज ये सब कीर्तन को रोज रोज कीर्तन यहाँ पर हुआ करती हैं। इसलिए कहते ना भक्ति विज्ञान भारती महाराज कहते थे ना, हम हर गुरु अलग अलग एक एक गुरु वर्गों से मैंने एक एक मंत्र प्राप्त किया। इसलिए कहते भक्ति रखे के श्रीधर गोस्वामी महाराज से क्या प्राप्त किया। कभी कभी क्या होता है, गाना हो तो हम तो गा जाते हैं, गाना होता है हम तो गा जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं वो जो भजन गा रहे हैं उसके अंदर में क्या बोल रहा है। कभी कभी इसका प्रति हमारे ध्यान नहीं रहता है। हाँ क्या कहते हैं, हमारे जीवन यहाँ पर हंस रहे उतर गा रहे, अरे भजन में कह रहे हैं हमारे जीवन सदा पापे रहता ना ही को पुण्य रलेस, हमें अंदर में पुण्य का एक लेस भी नहीं, हमारा जीवन पाप में डूबा हुआ है। हम कभी कभी वो भजन का प्रति ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कहते थे, जो नरोत्तम दास ठाकुर का कीर्तन है ना, कहते हाँ पाषाण कुटी व माथा अनल पसीव गौरांग गुनर निधि कोथा गले पाप, नरोत्तम दास ठाकुर गा रहे हैं, कहते महाप्रभु का विरह में गा रहे हैं, हैं? इसलिए अनल पसीव हम आग में प्रवेश कर जाएंगे, ये सर को हम फोड़ देंगे, हैं फोड़ देंगे महाप्रभु के बगैर। लेकिन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कह रहे हैं, बोले जिसका फटता है वो तो फट रहा है, लेकिन तुम्हारे क्या हो रहा है, मतलब नरोत्तम दास ठाकुर विरह में ये कीर्तन को गा रहे हैं, हैं? लेकिन हम क्या बोलते हैं, जैसे ऐसे गाना वैसे हम इसको कभी कभी ऐसे ही गा लेते हैं भजन को। इसलिए कहते थे नहीं, कम से कम जिस समय हम भजन गाते हैं, कम से कम अगर सचमुच से वो भजन का प्रति हमारा ध्यान रहे ना, वो भजन में बोल रहे हैं क्या, वो भजन में। और श्री हमारे बामन गोस्वामी महाराज वो कहते थे, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे रोज तो दो कीर्तन तो रोज करना, बामन गोस्वामी महाराज कहते थे। वो एक कीर्तन कहते थे गोपीनाथ मम निवेदन सुना, ये जो भजन है गोपीनाथ मम निवेदन सुना, ये जो बद्ध जीव का जो हृदय है वो पूरा के पूरा उन्होंने निकाल कर बाहर रख दिया। क्या वो भजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुना, विषय दुर्जन सदा कामे रत किच्छु नाही मर गुना, गोपीनाथ आमी तक का मेरे दास, जो बोल रहे ना हमारे बद्ध जीव का जो हृदय है वो हृदय को पूरा के पूरा हृदय को उन्होंने खोल करके सामने रख दिया। बामन गोस्वामी महाराज कहते थे अगर ये सचमुच से जो भक्ति विनोद ठाकुर ये साधकों के लिए ये जो भजन लिखा है, अगर सचमुच से ये भजन को ठाकुर को सामने हम गाए, हमारा हृदय में जो अनर्थ है
बहुत जल्दी से जल्दी ये सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। बामन गोस्वामी महाराज एक दिन मेरे को बोले थे, बोले देखो ये रोज को रोज रोज ये भजन को रोज रोज गाया करना है, ये दोनों भजन को रोज रोज गाया करना। अब गाओगे ना हृदय का सारे अनर्थ सारे अपराध सारे अविद्या जो हृदय में हमारे बैठा हुआ है ये सब के सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए ये भजन को रोज करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने सवेरे और प्रभुपाद शाम है, सवेरे और प्रभुपाद शाम, इसलिए दोनों टाइम ही हमारे ये सब शरणागति कीर्तन को मंदिर में गाने के लिए उन्होंने व्यवस्था रखा है, हैं? इसलिए एक हो गया बंदर और एक हो गया बिल्ली। हाँ, इसलिए अगर ये बिल्ली ना आए मतलब साधना तो करेंगे लेकिन ठाकुर जी को प्रार्थना करते हुए अगर ऐसे करेंगे ना बस क्या होगा, एक दिन भगवान कृष्ण बंधन को कृष्ण स्वीकार कर देंगे, उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसलिए अभी उनको तो बांध दिए कृष्ण बंध गए, जब बंध गए मैया बोली सवेरे से लेकर शाम तक तेरे पीछे, अभी तक सारे सवेरे से लेकर शाम तक तेरे पीछे चला गया, घर का सारे कामकाज बैसे को बैसे सारे कामकाज पड़ा हुआ है सबके सब, इसलिए अभी तो बंधे पड़े रहो, अभी मैं घर का काम करता हूँ। महाराज कम यार कम यार, इसलिए सारे काम को अभी सारे कामकाज अभी मेरा पड़ा हुआ है, अभी मैं काम काज करने के लिए जा रहा हूँ। अभी मैया जब यहाँ पर आसन आसन दे दो तो, इसलिए जब मैया ने काम करने के लिए चली गई ना, इतने जितने कृष्ण के सखा लोग थे मर्द काम में, जितने सखा लोग थे हैं आ करके बोले कन्हैया आज तू भी मैया की बंधन में पड़ेगा, बोले हाँ मैया आज मुझे भी बांध दिया, बोले बच्चों खोल दो अभी हम जाकर खेलते हैं। अभी बच्चे लोगों ने कोशिश किया खोलने के लिए लेकिन खोल नहीं पाए, क्यों नहीं खोल पाए, कारण क्या है, कहते हैं जो वात्सल्य रस है कृष्णा जो बंधे हुए, कौन सा रस से बंधे हुए, वात्सल्य भाव से, मेरो लाला है मैं नहीं बांध पाऊंगी। गोपिया क्या कह रही थी, बोले तेरे लाला की ललाट में बंधन लिखा ही नहीं हुआ, बोले कैसे लिखा लिखा हुआ नहीं, ये मेरे कोख से जन्म लिया मैं नहीं बांध सकती हूँ, बांध करके आज रहूंगी है, बांध करके ही आज रहूंगी, बांध कैसे नहीं पाऊंगी, इसलिए उन्होंने बांध दिया। लेकिन जब उन्होंने बांध दिया पहले तो कोशिश कर रही थी बांध नहीं पाई, लेकिन जब गृहस्थ जो देवता जो नारायण है जब उनकी चरण में शरणागत हो गए, ठाकुर जी ये गोपियां सब खिली मेरे को खिली उड़ा रही हैं, हैं तो बांध नहीं पाओगी, इसलिए मैं तो कोशिश हार गई, तुम मेरे लाज बचाओ। जब उन्हें शरणागत हुई भगवान उनकी बंधन में आए, सखा लोगों ने कोशिश किया खोलने के लिए लेकिन खोल नहीं सके, क्यों, कि जो बात्सल्य रस है वो सख्य रस से ऊपर श्री ये बात्सल्य रस है। इसलिए अभी सखा लोग उसको खोलने के लिए चाह रहे हैं लेकिन इस सखा रस में तो हैं यहाँ पर तो ममता है, लेकिन जो बात्सल्य रस में ताड़न और भत्सन ये मेरे बच्चा है। सखा लोग तो खेलते कूदते हैं लेकिन कृष्ण खाया कि नहीं खाया इसको कोई सोचता नहीं, लेकिन माँ क्या चिंता करती, अभी तक मेरे लाला सवेरे से दोपहर हो गया लाला अभी तक खाया ही नहीं, लाला है भोजन ही नहीं किया, इसका चिंता किसकी रहती है, ये माँ की रहती है। सखे रस में बराबर भावना तो होता है, तुम ही कौन बड़ा लोग तुम ही आमी सम उसमें तो बराबर होता है, लेकिन माता को अंदर में जो ताड़न और भर्त्सन है, हैं जो ताड़न भर्त्सन है माँ की प्रेम में, हाँ मेरे मेरे लाला है भूख लग रहा है मैं खिलाऊंगी तो ये खाएगा, मैं नहीं खिलाऊंगी तो भोजन नहीं करेगा, हाँ इसकी जो भोजन भरण पोषण की चिंता किसकी है, माँ की है माँ की। और यहाँ पर सखे रस में क्या हो गया, बराबर तो हो गया लेकिन बात्सल्य रस में क्या हो गया, भगवान नीचे हो गए और जो भक्त क्या हो गया, भक्त ऊंचा हो गया और भगवान नीचे हो गए, भगवान नीचे हो गए और माँ ऊंचे में चली गई, ये मेरे लाला इसको डांटना डपटना शासन करना ये मेरा कर्तव्य है, अब मैं शासन नहीं करूंगी तो क्या होगा, बड़े बनकर बड़ा चोर बन जाएगा, फिर ये दुष्ट बन जाएगा। इसलिए अभी सख्य रस तो कोशिश किया खोलने के लिए लेकिन उसको खोल नहीं सका, जब खोल नहीं सका इतने में उन्होंने सामने देखा ये जमलार्जुन वृक्षों का देखा, जो जमलार्जुन ये शंकर जी की एक बगीचा थी, शंकर जी की बगीचा में ये नल कुबेर और ये मुनिग्रीव ये कुबेर का जो पुत्र थे उसको रखवाली कर रहे थे, और रखवाली करते समय एक समय नारद जी आ रहे थे और ये दोनों शराब पी करके
और लड़की को लेकर के विवस्त्र होकर के जल विहार कर रहे थे। जब जल विहार कर रहे थे यहाँ पर कहते जो पैसा किसका बच्चे थे, ये कुबेर का बच्चे थे। कुबेर कौन है? स्वर्ग का धन कुबेर है, सारे ट्रेजरी का मालिक वही है। कहते जहाँ ये पैसा हो ना, जितने सारे अनर्थ वहीं पर है, लड़कीबाजी वेश्या खाना है, और वहीं पर ही शराब जुआ। कली का तारचा आज था ना, दुतम पानम स्त्रियम सोना, ये चथा अधर्म, ये चतुर्विधा, ये चार तरह का जो पाप है वो ज्यादा जहाँ पैसा है, ये पैसा उसको स्वाभाविक रूप में ये सारे गंदे काम में उसको ले जाता है। और पैसा की उसका बेटे हैं, इसलिए क्या कर रहे थे, शराब पी करके लड़की को लेकर के विवस्त्र होकर जल विहार कर रहे थे। जब श्री नारद जी उधर से आए, अभी उन्होंने नारद जी को देख करके, उनको तो जो अप्सरियां थी वो तो लज्जित होकर के निकल आई और कपड़े से शरीर को ढक करके पेड़ के आड़ में खड़ी हो गई। लेकिन ये जो दो थे ना, ए लाल लाल आंख से, बोले बाबा का कोई है, कोई बुद्धि विवेक है नहीं है, कोई तमीज नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं मिला तेरे को, यही रास्ता मिल गया, रंग में तो भंग करने के लिए आ गया है, हैं? नारद जी को तो लाल लाल आग करके ऐसे से देख रहे थे। नारद जी ने देखा, हे भगवान, कहाँ स्वर्ग के कुबेर के संतान इतने उच्चे कल में जन्मे और इतने निकृष्ट काम कर रहे हो, हैं? इतने ओके साधु आ गया, कहाँ साधु दिखते, क्या करनी चाहिए, चरण स्पर्श करनी चाहिए, कहाँ कितने भाग्य से, बोले भवा अपवर्ग भ्रमेत जदा जनस्य तहीर अच्युत सत्समागम, साधु संग कब मिलता है। कति भवस समुद्र में भ्रमण करते करते जब संपूर्ण दुख के दीन आता है तभी जीवन में साधु दर्शन तभी मिलता है। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमित तभी किसी साधु दर्शन का। नारद जी साधु और उनको देख कर आग फाड़ फाड़ कर देख रहे थे, हैं? ये कहाँ से आ गया, ये रंग में भंग डालने के लिए। जब उन्होंने ऐसे उन्होंने बोले, इतने में नारद जी को तो क्रोध आया, बोले तुम जैसे नंगे हो, हैं? जैसे विवस्त्र हो करके जाओ, तुम दोनों वृक्ष जन्म को प्राप्त करो। जब उन्होंने अभिशाप दे दिया, अभी धीरे धीरे प्यार से उनकी पेड़ बनना शुरू हो गया, और सारे जितना नशा था ना, सारे नशा उतर गया। क्यों? जो वृक्ष जन्म है बड़ा कठिन जन्म है, क्योंकि भूख लगे तो पानी नहीं मांग सकते हैं, कोई अगर टहनिया को काट देगा, ठंडा में एक जगह पर खड़े रहो, हैं? भूख प्यास से, इसलिए बड़ा कठिन जीवन है। जब उन्होंने अभिशाप दिया है, हाँ गर्मी में बहुत कष्ट है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जन्म हो गया, तो इसलिए बड़ा कठिन जीवन है, बड़ा कठिन, इसलिए सारे नशा उतर करके आ गया। फिर तो उन्होंने उनके चरण में आकर गिरे, हमारे अपराध हो गया, माफ कर दो। वैष्णव लोग बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं, संत हृदय नव नीत समाना, बड़े दयालु होते हैं। फिर उन्होंने बोले, ठीक है वृक्ष तो बनोगे, लेकिन कहाँ पर वृक्ष बनोगे, गोकुल में वृक्ष बनोगे। हरे कृष्ण जब द्वापर युग में आएंगे, उनके चरण स्पर्श से उद्धार होगा। ये कथा कब की कथा है? ये सत्य युग की कथा है, सत्य युग की। कृष्ण कब आएंगे? द्वापर की, द्वापर का अंतिम में कृष्ण आए, द्वापर का अंतिम में, मतलब इतना दिन तक उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन चूंकि माफी मांगे संत ना, अब देखा ना, जहाँ जहाँ कोई संत रुष्ट होकर कभी अभिशाप दिया ना, उनका कभी अमंगल नहीं हुआ, उनका कल्याण किया है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साधु से ना होए कार्य हानि, साधु से ना होए कार्य हानि, साधु से कभी कार्य हानि नहीं होता है, कार्य कभी हानि नहीं होता, संत से कार्य बनता है, बिगड़ी चीजें बनती हैं संतों से। इसलिए उनको वृक्ष जन्म देना पड़ा, और चिंता क्या कर रहे हैं, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे तो उनकी चरण स्पर्श से उद्धार होगा, इसलिए कृष्ण को ध्यान कर रहे हैं। वृक्ष तो गोकुल में हुए, भगवान का धाम में, क्योंकि श्री कहते श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, ब्रज का जितने कीड़े मकोड़े तल्लु वृक्ष, वो भी कोई साधारण नहीं, वो कि सबके सब कृष्ण लीला के अनुकूल है, सबके सब कृष्ण सेवा करने वाले। वृक्ष तो हुए, लेकिन हुए गोकुल में वृक्ष हुए। देखो और एक चीज, यहाँ विश्वनाथ ठाकुर एक अच्छी चीज बताते हैं,
भले वो शराब पी करके जल विहार कर रहे थे, नारद जी उधर से जा रहे थे, फिर भैया उनको क्रोध करने का क्या जरूरत था, तुम जाओ ना अपना रास्ता। वो शराब पी करके क्या कर रहे नहीं कर रहे, फिर आपको सब अभिशाप देने का क्या जरूरत था, बोलो कि अभिशाप सिल्क दे, अब जा रहे हो आप जाओ, उस जल विहार कर रहे, उनको क्रोध आया, वो देखते रहे ना, अब तो साधु हो, क्या मंगल करनी है। हाँ, इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रधर कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे माँ ने घर में बहुत बढ़िया उसने कोई खाना बनाया, कोई तिथि पर्व आया है, बहुत बढ़िया भोजन बनाए, जिसको वो जिस उसका बच्चे को तो प्यारा भोजन बनाया, कोई तिथि त्यौहार में बढ़िया भोजन बनाया, लेकिन वो बच्चा सो गया है, बच्चा सो गया, रात को सो जाते हैं, बच्चे खेल कूद कर गए, लेकिन माँ ने बढ़िया भोजन बनाई, फिर मैया क्या करेगी, वो बच्चे को ना नहीं उठने पर भी चिमटी काट करके, हाँ उसको हिला हिला करके मैया उसको उठाएगी, क्योंकि उसने बढ़िया भोजन बनाया ना, उसको पता है बच्चे सो गया दिन भर खेलते खेलते, इसलिए इस चीज़ उसको प्यारा है, वो नहीं उठने पर चिमटी काट करके जोर जबरदस्त हिला हिला करके उसको उठाएगी और उसको भोजन कराएगी, हैं। और जब तक बच्चे को माँ खिला नहीं देती तब तक माँ भी भोजन नहीं करती। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी उनको एक दिव्य रस उनको पान कराना चाह रहे हैं। दिव्य रस क्या है, जब उनको उद्धार हुए एक स्वरूप में तो नल कुबेर मुनि गृह बन करके स्वर्ग में गए, लेकिन दूसरे स्वरूप में कहाँ गए, कृष्ण धाम में मधुकंठ और सिद्धकंठ बन करके कहाँ गए, गोलोक वृंदावन में गए, हैं। सवेरे और शाम को जब वहां पर जैसे जब दरबार लगती है ब्रजवासियों का जो दरबार है, वहां पर भी वो क्या करते हैं, कृष्ण की बाल्य चरित्र और कृष्ण की जो मधुर कथाओं को सवेरे और शाम को वहां पर गान करते हैं, हैं। ये गोलोक वृंदावन में भी है, गोलोक वृंदावन में भी वहां सभा लगती है, वहां पर भी कृष्ण कथा होती है। जैसे इसलिए हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद वही चीज यहाँ पर लाए, वहां पर गोलोक वृंदावन में जैसे बैठ करके भक्त लोग वहाँ हरि चर्चा हरि कथा होती है, यहाँ पर देखो हमारे भी मंदिर में भी हरि की चर्चा सवेरे शाम दो टाइम हरि चर्चा हरि कथा होती है, क्योंकि प्रभुपाद कहते मैंने गोलोक वृंदावन को ही यहाँ पर मैंने ये गौड़ीय मठ रूप में गोलोक वृंदावन को मैं यहाँ पर मैंने उतारा है, हैं। इसलिए मानो उनको चिमटी काट करके सो रहे थे, किसमें, नशे, नशे में सो रहे थे, अभिशाप नहीं, कहते तो उनको चिमटी काट करके उनको जगाया, उठो जीव जागो गोरा चांद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले भजीव बोलिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहले तुम्हें अविद्यार भर। इसलिए उनको उनको अभिशाप दिए, अभिशाप दे करके उनको उठाए। नारद जी ने बताया था कृष्ण का चरण स्पर्श से उद्धार होगा, इसलिए नारद जी का वाक्य रक्षा करने के लिए कृष्ण सखाओं को कहा, सखाओं धक्का लगाओ पीछे, उनने उखल को धक्का लगाए, कृष्ण जब दोनों वृक्षों का बीच होकर चले गए, उखल थोड़ी सी अटक गई, कृष्ण थोड़ी सी ताकत लगाए और दोनों वृक्ष दोनों तरफ में विशाल आवाज करते हुए दोनों तरफ में गिरे वृक्ष, इतने जब जोर से वृक्ष गिरे इतने में नल कुबेर और मुनिग्रीव सुंदर रूप धारण करते हुए उधार हुए, भगवान को बड़े सुंदर परिक्रमा की, भगवान को स्तुति की, बोले बोले प्रभु वाणी गुणानुकथने, प्रभु ये जो वाणी है जैसे तुम्हारी गुणानुवाद में जाए, ये जो करो ये जो हाथ है ये भक्तों की सेवा ठाकुर की सेवा में लगे, ये मन ठाकुर के चरण में लगे, प्रभु ये जो सर है ना जब तुम्हारी संतों को दर्शन करे जैसे ये सर अपने आप झुक जाए, कहते आज हमें ये दुर्दशा क्यों प्राप्त हुआ, चूंकि हमने नारद जी को दर्शन करके हमने ये सर नहीं झुकाया, सर को हमने नहीं झुकाया, इसलिए आज हमको ये जमलार्जुन वृक्ष की जन्म प्राप्ति हुई, अगर संतों को दर्शन करते हुए अगर सर झुक जाता तो आज हमें ये वृक्ष जन्म नहीं मिलता, इसलिए जैसे संतों को दर्शन करते ही ये जैसे सर, इसलिए बोले वैष्णव देखिया जेवा ना नुआ मुंड तार मुंड पड़ गया नर कर कुंड, है इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं बस सन्यासी देखिया जेवे ना लुआ मुंड तार मुंड पड़ गया नर कर कुंड, इसलिए नियम है सन्यासी वैष्णव को देख करके प्रणाम करनी चाहिए,
इसलिए प्रभु ये सारे संतों के चरण में जो गुजाए उन्हें स्तुति करते हुए परिक्रमा किए दक्षिण दिशा में चले गए और इतने में देखो जोग माया ने किया कि आवाज तो हुई दोनों तो प्रकट हुए लेकिन ब्रजवासी कोई नहीं आए। ब्रजवासी हैं इतने में जो विशाल आवाज हुई जैसे वज्र गिरा सारे ब्रजवासी वहां पर इकट्ठे हो गए। नंद बाबा भागते भागते आए और देखा कृष्ण बंधे पड़े हुए। नंद बाबा फटाफट उन्होंने खोल दिए क्योंकि बात्सल्य रस में बंधे हुए इसलिए बात्सल्य रस ही खोल सकता है। और अपना पॉकेट से एक लड्डू का गुड़ का एक लड्डू लिए और कन्हैया को हाथ में दे दिया। बोले बांधा किसने? बोले माँ। बोले खोला किसने? बोले बाबा। बोले खूब माँ 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 करते रहते हो, अब बताओ अभी किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में रहूँगा, माँ मारती हैं इसलिए माँ के पास में नहीं रहूँगा, बाबा को पास में मैं रहा करूँगा। इतने में मैया आ गई। जब मैया आ गई ना, नंद बाबा तो बड़े जोर से डांट लगाई, अरे एक दो मटकी तो फोड़ा होगा और तो कोई बात नहीं, इसके लिए इतना बड़ा दंड, ये वृद्ध उम्र में हमें संतान मिला है, कितने तपस्या कितने साधन कितने व्रत हमने किया लेकिन तब भी संतान नहीं हुआ, बड़े कष्ट से हमको वृद्ध उम्र में लाला मिलो और एक दो मटकी फोड़ देगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए इतना बड़ा सजा, नारायण ने तो कैसे रक्षा कर लिया, ये दोनों वृक्ष दोनों तरफ से गिरे, अगर थोड़ी सी इधर उधर होता तो लाला का राम नाम सत्य हो जाता है। लगता है तेरे को ये मटकी और मक्खन में ज्यादा आ सकती है, तू ये मटकी मक्खन को लेकर तू रहा कर, मैं ये दोनों बच्चन को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ। इतना जब बोले ना, मैया इतने दुखी हो गई, अपना हाथ को गाली देने लग गई, इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि हो जाए, आज मैंने इन्हीं हाथों से लाला को मैंने बांध कैसे दिया, मेरे से ये अनहोनी कैसे हो गई। मैया अपनी आप को गाली दे रही थी, अपनी आप को गाली दे रही थी। इतने मैंने मैया बड़ी दुखी होकर के जाकर रो रही है। नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर गए, धारस्न दूध, मतलब दूध को जो निकालो ना गर्म रहता है, उसमें मिश्री मिला करके दोनों लाला को पिला दिए। ब्रह्मांड घाट में स्नान करके घर में आए, एक कोने में तो मैया बैठ कर रो रही हैं, दूसरे कोने में नंद बाबा कृष्ण बलराम को गोद में लेकर के बैठे हुए। इतने में सोचे घर में लड़ाई हो गई, अगर लड़ाई हो जाए तो उसको मीमांसा कौन करेगा? बोले बीच का कोई व्यक्ति मीमांसा कर सकता है। बोले यहाँ पर बीच में कौन? बोले माता रोहिणी। रोहिणी ने देखा तभी ये झगड़ा मिट सकता है, अगर कृष्ण को अगर ला करके बाबा की गोद माँ की गोद में छोड़ दिया जाए ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में रोहिणी आई, बोले दाऊ एक काम करोगे? बोले बोलो। बोले कान्हा को लेकर के तुम पिताजी की गोद से लेकर के तुम मैया की गोद में छोड़ दे, सब झगड़ा खत्म हो जाएगा। इतने में दाऊ गए, बोले लाल कन्हा चल माँ के पास में चल। जब ऐसे हाथ पकड़े ना, ओ कृष्ण तो बड़े क्रोध में थे, जब उन्होंने हाथ पकड़े तो कृष्ण क्रोध में ऐसे झटका मारे और झटका मारे तो दाऊ भैया तो वहीं लुढ़क गए इतने में रोहिणी बोली आज लाला को बड़ा क्रोध है। बोले कान्हा मैया की गोद में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती हैं, बाबा मेरे को प्यार प्यार करते हैं। बोले अगर मैया के पास में नहीं जाओगे दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो बाबा के पास में नहीं, वो तो माँ के पास में दूध मिलेगा। बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री डाल के मिला करके मेरे को पिला देगी। बोले किसकी गोद में सोओगे? क्योंकि कृष्ण जब तक माँ की गोद में नहीं सोते थे उनको नींद नहीं आता था, बच्चों का कभी कभी स्वभाव होता है ना। बोले सोओगे कहाँ पर? बोले बाबा की गोद में। बोले खेलोगे किसको साथ में? बोले दाऊ भैया को साथ में। बोले माँ के पास में? बोले नहीं जाऊँगे, मैया मत मारती हैं। बोले अगर मैया को पास में नहीं जाओगे, अगर मैया ऐसे हो गई तो, ऐसे हो गई मतलब क्या, अगर मैया मर गई तो फिर क्या होगा? जब कृष्ण सुना अगर मैं मैया की गोद में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे विरह में मर जाएगी, फिर तो कान्हा को रहा नहीं गया। इतने में पिताजी की गोद से खड़े होकर के हैं उन्होंने माँ माँ करते 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 जाकर के मैया की गोद में लेट गए और मैया तो कान्हा को गोद में पा करके फूट फूट करके रोने लग गई फूट फूट करके। और जितने ब्रजवासी वहाँ पर थे ना, वो ये लीला देख करके सबके सब रो रहे थे। इसलिए श्री हैं सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति द्रे के स लीला भी रानंद को ले तदीय सीता गे तो
इसलिए श्री सत्यव्रत मुनि ये सब लीला आपको अपना दिव्य दृष्टि से दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करते हुए कहते इति द्री की सलीला भीरानंद कुंड। कृष्ण ऐसे ही मधुर से मधुर, मीठे से मीठे, कृष्ण ऐसे रोज एक लीला नहीं, अनंत लीला है, अनंत लीला है। इसलिए कहते हैं, इसलिए महाराज कहते थे नारायण गोस्वामी महाराज, हम जो देखते हैं गोस्वामी लोग ग्रंथ लिखे हैं, जैसे आनंद वृंदावन चंपू है जीव गोस्वामी का है, गोपाल चंपू आनंद वृंदावन चंपू किसका है, कवि कर्णपुर का है, और आनंद और श्री गोविंद लीला मृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, इसे उन्होंने ग्रंथ लिखे। सब ग्रंथ में कृष्ण लीला को वर्णना किया, जैसे अष्टजाम का लीलाओं को वर्णना किया, बोले कितना लीला वर्णना किया, महाराज कहते थे एकदम एक बूंद सा लीला है, क्योंकि कृष्ण रोज रोज इतने लीला करते हैं, कहीं अगर लीला वर्णना हुई कोई एक आध लीला तो वर्णना हुई ना, लेकिन उनका तो अनंत लीला है, हैं? लेकिन बहुत थोड़ी महाराज कहते थे बहुत थोड़ी उन्होंने लीला वर्णना की है, लेकिन उनका इस अनंत लीला ठाकुर जी को उन्होंने इतने थोड़ी से लीला क्यों वर्णना की, बोले कारण है इस जगत में साधक का लोभ हो, ये सब लीलाओं को सुनकर के उनकी लोभ हो, और लोभ हो करके फिर वो लीला रस को आस्वादन करने के लिए फिर मन में लोभ जगे, फिर साधन भजन करे, और साधन भजन करते हुए कहाँ जाए, गोलोक वृंदावन में जाए, और संपूर्ण उनको लीला रस में डूब जाए। इसलिए उन्होंने केवल थोड़ी सी उन्होंने हिंट केवल दिया है, हाँ ऐसे ही कृष्ण ये सुंदर सुंदर लीला करते हुए एकदम पूरा ब्रजवासियों को उन्होंने पूरा डूबो करके उन्होंने ब्रजवास पर कहते महाराज लोग कब आ रहे हैं सबके सब, हाँ इसलिए कहते वहाँ पर ठाकुर जी अनंत अनंत लीला की है, इसलिए गुरुदेव यहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर लीला वर्णना करते हैं। बोले एक समय हैं कहते कृष्ण बलराम, जब धीरे 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 कृष्ण बलराम बड़े हो रहे थे, अभी ब्रजवासी कभी कभी कहते हैं भैया बलदेव प्रभु का शरीर में ज़्यादा ताकत ना कृष्ण के शरीर में, कुछ गोपियाँ कहती नहीं कृष्ण के शरीर में ज़्यादा ताकत, नहीं कुछ गोपियाँ कहती थी नहीं दाऊ भैया का शरीर में ज़्यादा ताकत, इतने में बोले हो जाए थोड़े में कुश्ती हो जाए, देखते हैं किसको शरीर में ज़्यादा ताकत, किसको शरीर में ज़्यादा ताकत है। वहाँ पर दो पार्टी हो जाते हैं, हे कृष्ण बलराम दोनों बाहु को ऐसे करते हुए, जैसे मल्ल युद्ध करते हैं ना, कृष्ण हाथ को ऐसे हैं ऐसे हिलाते हुए, बोले आ जाओ दाऊ भैया आज दोनों लड़ेंगे। बस दोनों लड़ पड़ते हैं, बोले देखो जो जीतेगा ना उसको ये मक्खन के डेला मिलेगा जो जीतेगा। इतने में कभी कभी दाऊ भैया ने कृष्ण को कभी कभी परास्त कर दिए, कभी कभी उन्होंने परास्त कर दिया कृष्ण को, जब परास्त कर दिए इतने में जब कृष्ण महाराज जी यू डोंट गोइंग परिक्रमा, हाँ ओ योर क्लास नाउ With me, what do you think about this? It's okay? It's no. Not. And then some another soap, they're very nice dating. Yeah. And now, not soap. Soap is not now. You can come here, 12 o'clock. Here? Yeah. 12 o'clock? Yeah. इसलिए हाँ कभी कभी बलदेव प्रभु कृष्ण को पछाड़ दिए, जो पछाड़ दिए इतने में कृष्ण जाकर के मैया को बोलते बोले मैया मैंने आज हार क्यों गया, और दाऊ भैया ने क्यों जीत गया, बोले तू हारोगे नहीं जीतोगे कैसे, बोले क्यों, बोले तेरे को खिलाने के लिए मेरे को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता, कन्हा ले ले कन्हा मक्खन खा ले मक्खन खा ले, और देखो दाऊ भैया का चोटी भी देखो कितने बड़ी, और तेरे चोटी क्यों छोटा क्यों है, इसलिए तुम मक्खन नहीं खाते हो ना, बोले मा ला अभी मैं खाता हूँ, है दिया मक्खन मैया ने खा लिया, और कृष्ण इधर चोटी देख रहे, बोले बोले मैया तुम बहका रहे हो छोटी तो बड़ा ही नहीं, मक्खन तो खा लिया अभी तो कोई छोटी भी नहीं हो रहा है, हैं ऐसे ऐसे कृष्ण कभी कभी हैं कभी आपस आपस में कृष्ण कभी कभी कुश्ती लड़ते हैं, कभी कभी कृष्ण आप देना बाढ़ होता है ना जो घर चार तरफ में जो घेराव देते हैं उसका अंदर में कभी कभी फूल खिलता है, इतने में कांटा की बाढ़ होता है, इसको देख करके कृष्ण बलराम तो क्या किया वो फूल तोड़ने का लोभ से हैं ये कांटा को इधर उधर करते 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 अंदर में चले गए, अंदर में जा करके उन्होंने फूलों को तो तोड़ लिए, लेकिन जब निकलना चाहते हैं ना वहाँ पर तो कांटा की बाढ़ है अभी निकल नहीं पा रहे, इतने में कृष्ण रोने लग जाते हैं मैया मैया करके रोने लगते, बोले क्या हो गया,
मैया आकर देखते हैं दोनों बाड़ा में फंसे हुए हैं, कांटा और गंदरे में फंसे हुए हैं। फिर जा करके उन्होंने कृष्ण बलराम को वहाँ से निकल करके लाते हैं। कभी कभी कृष्ण कोई एक कुआ था, जो कुछ कुआ था इतने में कृष्ण वहाँ पर गए और ऐसे झांके झांके तो अपना ही परिचय दिखता है अंदर में, अपना परिचय दिखते तो कृष्ण बोले अरे ये कौन है कुएं के अंदर में कौन है। उन्हें बोले ए तू कौन हो, देखना कुएं से क्या आवाज़ आती है, ए तू कौन हो, बोले तू मेरे को कहते तू कौन हो, फिर आवाज़ बोले तू मेरे को बोल दे तू कौन हो। इतने में तो कृष्ण बोले मैं कौन हूँ अभी तेरे को मैं दिखाता हूँ। वो कहते तू कौन मैं तेरे को दिखाता हूँ। कृष्ण ने किया क्या, छोटा कुआ में छलांग लगा दिया अंदर में, हैं उसका अंदर में छलांग लगा दिए। जब छलांग लगा दिए इतने में दाऊ भैया आए, दाऊ भैया आकर के उन्होंने भी देखा हैं, उनका भी परिचय में तू कौन, बोले तू कौन हो, हैं अभी दोनों लड़ते रहे, दाऊ भैया भी दोनों भी छलांग लगा दिए। जब छलांग लगा दिए इतने में मैया भागते भागते आई, बोले क्या हो गया, बोले दोनों बच्चे कुएं में छोटे कुएं, फिर दोनों बच्चे को निकल, बोले तुम क्या कर रहे थे, बोले मैया इसको अंदर में कोई है और मेरे साथ में भैंसबाजी कर रहा था इसलिए मैंने पकड़ने के लिए छलांग ले, बोले कहाँ, बोले देख दिखाता हूँ। कृष्ण इसे झांके और अपना परिचय दिखा, बोले देख मैया देख मंदिर में कौन है। इतने में बलदेव प्रभु झांके लगाए तो उनको ही परिचय, बोले मैया देखो उसने अपना भैया को भी बुला दिया। हाँ अकेला नहीं, वो अपना भैया को साथ में भी अंदर में। इतने में मैया ने देखी, बोले मैया देख देख उसका मैया को भी साथ में ले आए। हाँ उसका कृष्ण ऐसे बचपन में जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही कृष्ण हाँ जैसे एकदम भोले वाला बन करके, क्यों इनकी जो योग माया है ये मधुर लीला को पुष्टि करने के लिए उनकी सारी भगवता को ये भुला देती हैं। अगर भगवता को नहीं भुलाएंगे ना ये मधुर लीला असंभव है। अगर उनका स्फूर्ति रहे मैं ही सर्वैश्वर्य पूर्ण हूँ हैं सारे मालिक, फिर ये लीला उनकी हो ही नहीं सकती इनकी लीला। ऐसे ही एक दिन नंद बाबा बोले लाला मेरी जूती ले आ, कृष्ण ठुमक 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 करके चलते हैं लेकिन उन्होंने जूती कोई भी उठा नहीं पाते, बड़ी कष्ट से जूती को लड़खड़ाते हुए और हाथ में नहीं जूती को सर पर रख करके नाचते नाचते आते हैं। नंद बाबा देखकर इतने खुश हो जाते हैं, लाला जब बड़ा होएगा ना मैंने बोला जूती लाओ, लाला हाथों में नहीं लाया लाला सर पर लाया, लाला बड़ा होगा ना पिता माता का बड़ा सेवा करेगा लाला, है नंद बाबा खुश हो जाते हैं। कभी कभी गोपियाँ कहते लाला पीढ़ी ले आ है मक्खन का डेला मिलेगा, कृष्ण जाते हैं लेकिन पीढ़ी को भी उठा नहीं पाते, बड़े कष्ट से पीढ़ी को उठाते हैं। तब यहाँ पर कहते हैं कृष्ण कौन है, जब छः दिन में जिन्होंने पुतना कुमारी बरहावतार में संपूर्ण पृथ्वी को उन्होंने पूरा उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को लाकर धुरी पर स्थापन किया और सात साल में जिसने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया, आज ठाकुर जी एक पीढ़ी को भी नहीं ला पाते हैं, लड़खड़ाते हुए पीढ़ी को भी नहीं ला पाते हैं। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में बड़े सुंदर सुंदर कृष्ण लीला करते हुए पूरा ब्रजवासी लोग ये सब लीलाओं को देख करके ना है वो नाम ही तो ब्रज हैं, वो क्या करते हैं आपस में दिन भर केवल कृष्ण चर्चा में कृष्ण कथा में ही ये ब्रजवासी लोग पूरा कृष्ण कथा में अपना जीवन को बिताते हैं। इसलिए गुरुदेव और एक छोटी सी कथा सुनाते थे, फल विक्रयणी गुरुदेव फल विक्रयणी कथा सुनाते थे, इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं मथुरा से आठ बजे पहुँचेंगे, इतने 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 लेट क्यों कर रहे हैं, क्या चक्कर है। हाँ प्रसाद प्रसाद बन गया ठीक है, और एक छोटी सी लीला कथा सुना देते हैं। हर सब मोहित तुम सुना सकते हो, फल विक्रयणी कथा सुना सकते हो। हाँ क्या गौर गौर भगवान दो दो मिनट सुना दो ठीक है, मैं सुना देता हूँ। हाँ देखो कहते हैं जब कभी कभी ये वृंदावन से कभी कभी कुछ गोपियाँ मथुरा जाया करती थी, जब मथुरा जाती थी कहती ये सबके सब गोपी है, गोपी होने का नाते गोपी मतलब क्या, गो मतलब होते इंद्रियाँ और पी मतलब होता है पीना, जो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण भक्ति रस को जो पान करती हैं ये गोपी, और जो गो इसका मूल धातु गोप, इसका मूल धातु गोप, इसका जो मूल धातु का जो मीनिंग होता है गोप रखने पालने च, जो गोपी शब्द कहाँ से बना है,
कहते गोप रखने पालन च, बोले जो भगवान को पालन करते हैं और जो कृष्ण को जो रक्षा करते हैं, कहते ये गोपी। और रक्षा कहाँ, कहते अपना हृदय में हैं, कृष्ण को अपना हृदय में जो बैठा करके उनको जो सेवा करती हैं, जिनकी कण कण में, इसलिए कृष्ण का ता मन मनस्का, इसलिए उनका मन के किस में है, गुरुदेव कहते थे कृष्ण जो गीता में कहते हैं मन मना भव, ये मन को केवल मुझे दो, और मत मना भव, कहते अगर इसका कोई एग्जाम्पल है, कहती ये ब्रज की गोपियाँ ही उसकी आदर्श है। जब वो मथुरा आती थी वो आपस में कृष्ण चर्चा छोड़कर और कोई चर्चा नहीं, कृष्ण कथा आपस में करती थी। वहाँ पर एक फल बेचने वाली थी, अभी वो फल बेचने वाली कृष्ण कथा सुनते जब जब आती है केवल कृष्ण चर्चा, कृष्ण आज घर में आए, मक्खन खाए, पकड़ लिया था, चले गए, केवल कृष्ण 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 कथा सुनाती। अभी उनको कथा सुनते कृष्ण की, इनकी मन में भी लोभ हो गया, मैं भी एक बार जा करके गोकुल में कृष्ण को दर्शन करके आता हूँ, हाँ मैं भी दर्शन करके आता हूँ। लेकिन फिर वो सोचती हैं, हमने सुना कृष्ण नंद बाबा का बेटा है, नंद बाबा तो राजा है, और मैं कौन हूँ, मैं तो एक फल बेचने वाली एक साधारण व्यक्ति हूँ, फिर कृष्ण को मैं दर्शन कैसे करूँगी। इतने में सोच रही हैं, बच्चों को फल खाने का बड़ा शौक होता है, अगर मैंने सुंदर सुंदर केले अंगूर एप्पल फल लेकर के जाऊँ और नंद बाबा का घर के बाहर खड़े होकर के अगर मैं जोर जोर से आवाज़ लगाऊँ, फल लेगा कौन फल, हो सकता है ये आवाज़ को सुन करके कृष्ण आएगा, फिर तो ये फल को लेगा, फिर तो उनका दर्शन मुझे हो सकती है। इसलिए उन्होंने फल लेकर के आई, नंद बाबा का भवन को सामने खड़े होकर के जोर जोर से आवाज़ लगाई, फल लेगा कौन फल, हैं जोर जोर से आवाज़ लगाई तो कृष्ण का जितने सखा लोग थे, दाम वसुदा मधुमंगल, ये सबके सब आए, आ करके फल खा कर गए, लेकिन कृष्ण नहीं आया। वो बेचारी बड़े दुखी होकर के वापस आ जाती हैं, अरे मैं तो जिनके लिए लाया था वही खुद नहीं लाए आए, इसलिए बड़ी दुखी हो जाती हैं। फिर दूसरे दिन भी जाती, रामचंद्र प्रभु जी आ जाओ, प्रभु जी आप भी कुछ सुना दो, वो लोग आने में थोड़ा सविता जब सब लोग आ जाएंगे एक दिन सविता बोलेगी, हाँ रामचंद्र प्रभु अब आ जाओ। इसलिए उन्होंने और दूसरे दिन भी फल लेकर के आई, दूसरे दिन भी फल लेकर के आई तो यहाँ पर आसन दे दो यहाँ पर, इसलिए अच्छा चेयर में ठीक है। इसलिए दूसरे दिन भी ऐसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो आवाज़ सुन करके कृष्ण का सखा लोग तो आए, लेकिन कृष्ण चेयर में बैठेंगे, नीचे बैठ सकते, नीचे बैठ जाते, वैसे तो मैं चेयर पर्सन हूँ। इसलिए दूसरे दिन भी बड़े चेयर पे बैठे, ये बतलाइए आप क्यों नहीं चेयर पे बैठे। प्रभु जो जमीन में बैठते हो जमींदार, जो जो चौक में बैठते हो चौकीदार, इसलिए हम जमींदार हैं। जो चेयर पे बैठे वो चेयर पर्सन, चेयर अरे चेयरमैन चेयरमैन, वो देखो जमीन में बैठे वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अरे इसलिए उन्होंने दूसरे दिन भी उन्होंने ऐसे जोर जोर से पुकार, फल लेगा कौन फल। दूसरे दिन भी कृष्ण के सखा लोग आकर खा करते गए, लेकिन कृष्ण नहीं आए। लेकिन जब उसने तीसरे दिन ही आती है ना, प्रतिज्ञा को लेकर के आती है, आज अगर कृष्ण का दर्शन नहीं मिला तो आज मैं वापस नहीं आऊँगी, हैं मैं वापस नहीं आऊँगी। जब वो तीसरे दिन ही आती है ना, वो भूल जाती है फल बेचना, कहते हैं गोपाल लेगा कौन गोपाल, कृष्ण लेगा कौन कृष्ण, दामोदर लेगा कौन दामोदर। अभी कृष्ण का नंद बाबा का आंगन बहुत बढ़िया आंगन, वो गेहूं के ऊपर में खेलते हुए होते हैं, जब उनकी कानों में इनकी आवाज़ पड़ता है, उनको पता है ये दो दिन से ही वापस जा रही हैं, और आज तो उसने फल भी बेचना भूल गई, अभी कह रहे हैं गोपाल लेगा कौन दामोदर लेगा कौन दामोदर, आज उसने तो मेरे प्रेम में पागल हो गई। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, भैया एक दिन पागल बनना ही पड़ेगा, जब तक तो कोई पागल नहीं बना ना तब तक भगवान उसको
मिले ही नहीं, इसलिए कहते कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नारी के, कहते जितने पागल सब झूठा पागल है, असली पागल कौन है, जो पागल है श्री राम के, जो पागल है श्री राधा रानी के, इसलिए कृष्ण के जो असली पागल। अभी कृष्णा अभी उन्होंने जो गेहूं के ऊपर खेल रहे थे, आवाज पड़ते ही कृष्ण दर्शन देना चाहते हैं, क्योंकि दो दिन तक वापस गई, इतने में कृष्ण वहां पर अपना गेहूं अपना हाथों से उठाए, गेहूं उठा कर कृष्ण जब चलना शुरू की, इतने में कृष्ण तब छोटे बच्चे हाथ में गेहूं भी ठीक से कृष्ण उठा नहीं पाए, हाथ का अंगुल ऐसे खोला हुआ, अभी ये अंगुल की छेद से अभी ये गेहूं गिर रहा है। बोले कहाँ गिर रहा है? बोले कृष्ण का चरण में गिर रहा है। बोले क्यों? बोले ये गेहूं कौन है? कहते ये लक्ष्मी। ये लक्ष्मी क्या कर रही है? बोले ठाकुर जी मैं तो तुम्हारी घर की एक कोने में पड़ी हुई, आपको तो मैं कुछ बिगाड़ नहीं रही हूँ, फिर मेरे को घर से निकाल करके बाहर किसको क्यों देने के लिए ले जा रहे हो? इसलिए मैं आपकी चरण पकड़ती हूँ, मेरे को किसी बाहर व्यक्ति को मत दिया करो। इतने में कृष्ण जो फिर चलना शुरू किए, मैया प्यार को पाए भरे नुपुर बांध रखी थी, नुपुर का छम 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 आवाज हो रही थी, कृष्ण ने कहा ये दारी के ये तो जाने नहीं देगा, क्योंकि आवाज हो रही है, पता चल जाएगा गोपियों को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, क्यों कुछ दिन पहले ये उखल बंधन हुई है। उन्होंने नंदा बाबा ने बोले खबरदार इनको और बाहर भेजा मत करो, हैं पहले तो राक्षस लोग पीछे पड़ गए थे, अभी ये पेड़ भी अपने आप टूट टूट करके ऊपर में गिरने लगे, इसलिए बाहर नहीं जा पाए। छमछम आवाज से ये नुपुर क्या कह रहा है? बोले कहाँ जा रहे हो? तेरे को मैया ने मना की ना कुछ दिन पहले, ये जमलार्जुन पेड़ से मरते मरते बच्चा फिर जा रहे हो, इस आवाज मतलब है वो कह रहे हैं मत जाया करो, जाओगे तो मैं मैया को बोल दूंगा। आप बोलोगे क्या सचमुच से नुपुर बोल रहा था? नुपुर बोल रहा था, क्योंकि कृष्ण का जो नुपुर वो भी बलदेव प्रभु है, वो और कोई नहीं, वहाँ सब अपराकृत दिव्य, वहाँ सब चिन्हमय वस्तु है, लेकिन कृष्ण बोले दारी के तो जाने ही नहीं देगा। इसलिए कृष्ण ने क्या किया, जो नुपुर नीचे था ना थोड़ा उन्होंने ऊपर उठाया, ऊपर उठाया तो चिपक गया प्यार में, चिपक गया तो आवाज बंद हो गई। जब उन्होंने धीरे धीरे आए और उन्होंने बाहर निकली, वो तो बाबरी बन करके हैं, कृष्ण कौन लेगा, कृष्ण दामोदर लेगा कौन दामोदर, गिरधारी लेगा कौन गिरधारी, वो तो तुम बाबरी बन करके पुकार रही थी। और जो कृष्ण बाहर निकले, उनने सुना था कृष्ण इतने सुंदर, सच मुझसे जब बाहर निकले इतने कृष्ण सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर थे। अभी कृष्ण का हाथ में दो चार गेहूं था, सब तो नीचे गिर गया था, उसको टोकरी में डालते ही नीचे चला गया। कृष्ण बोले फल दे फल दे, वो कहती है फल तो तेरे को मैं दूंगी, लेकिन तू तो पहले मेरे कुछ दे, हैं कुछ तो पहले दे, तभी तो मैं तुमको फल दूंगी। कृष्ण बोले तू तो नई बात कह रहे हो, मैं जो गोपियों को घर घर में जाता हूँ ना, गोपियाँ मेरे से कोई चीज़ नहीं मांग करती हैं, बड़े प्रेम से मेरे को गोद में बैठा कर मक्खन मिश्री और राबड़ी खिलाते, तू तो मेरे को मांग रही हो। बोले तेरे को भी मैं खिला दूंगी, पहले एक काम कर मेरे गोद में बैठ जा, एक बार बैठ करके मेरे को माँ बोल दे, फिर तो मैं भी तेरे को दे दूंगी। कृष्ण सोचने लग गए ये पता नहीं कहाँ से आई हैं गोपियाँ, तो वैसे मेरे को खिली उड़ाते हैं, अगर देख लिया इसको गोद में बैठ गया ना पता नहीं क्या करेंगे। इसलिए कृष्ण सोचा इतना सारे फल मिलेगा माँ बोलने पर, कृष्ण इधर उधर झांके, आसपास में कोई तो है ही नहीं, देखा कोई नहीं है, बोले इतना फल मिलेगा एक बार बैठ जाता हूँ। बात बैठ गए, बोले माँ फल दे दे, बैठ करके जब बोले माँ फल दे दे, उसका हृदय तब प्रेम में एकदम गदगद हो गया, कहाँ भगवान स्वयं जिनकी गोद में बैठी गए। बोले गोद में कृष्ण क्यों बैठे, भगवान किसको गोद में थोड़ी बैठ सकते हैं, नहीं। इसलिए इनकी पूर्व कथा आती है कि जिस समय राम लक्ष्मण सीता की वनवास हो गया, जब ये निषाद का राज्य में पहुंचे थे, उनका पूरा परिवार आया निषाद का, तब निषाद ने परिचय दे रहा था भगवान राम में, बोले प्रभु जी ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी है, ये मेरी भैया है। अभी निषाद को साथ में रामचंद्र का मित्रता हो गई, मित्र का जो मित्र होता है ना उनका माँ को भी ये माँ बोलते हैं, माँ हो जाती है। इसलिए उनकी माँ राम को देख करके बोले कभी अगर मेरे गोद में क्या बैठेगा, कभी क्या मेरे को माँ बोलेगा, कभी कभी मेरे गोद में बैठेगा, मैं कभी किसको लाड़ लड़ाऊंगी। रामचंद्र तो भावना समझ गए, बोले ये अवतार में नहीं, ये मैं मर्यादा पुरुषोत्तम लीला, जब कृष्ण लीला में आऊँगा ना तब मैं माँ बोलूँगा। इसलिए आज कृष्ण उनको गोद में बैठे माँ बोले और उनका जो हृदय की जो इच्छा उन्होंने पूरी की, और उन्होंने
कृष्ण को हाथ में बहुत फल दे दिए, सारे फल को लेकर के आई मैया ने, बोले लाला इतने सारे फल कहाँ से मिल गया, बोले कि फल बेचने वाली दी। कृष्ण तो सोच रहे थे शायद वो फल बेचने वाली की गोद में बैठा, मैंने माँ बोला शायद इसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन गोपियों ने देख लिया। कैसे देख लिया, कृष्ण जब गए, बोले कृष्ण तो अभी खेल रहे थे गया कहाँ, इतने में देखा वो गेहूँ का गेहूँ पड़ा हुआ था रास्ता में हैं। बोले कृष्ण को धीरे धीरे पीछे पीछे की गर्ता करता गया, और जो कुछ किया ना सबके सब देख लिया, हाँ सब देख लिया था। इसलिए बोले मैया मैया तेरे को पता है इतना फल कहाँ से मिला, पता नहीं कहाँ से घूमने वाली फल बेचने वाली कौन सा जाति की थी कोई पता नहीं, उसको तेरे लाला ने गोद में बैठा और उसको माँ बोला तभी तो इतना फल मिला। कृष्ण सोचे हे भगवान ये गोपियाँ तो सब देख लिए, मैं तो सोच रहा था कोई दिखा नहीं। कृष्ण तो डर गए, मैया मेरे को मारे ही नहीं, पता नहीं कोई हैं कौन सा जाति के थी गोद में बैठे माँ। कृष्ण डर गए जब भर गए, लेकिन माँ जसोदा है, जसोदा मतलब क्या, जसम ददाति इति जसोदा, जो सबको जस देती हैं। माँ बोली उसमें क्या हो गया, अगर कोई दूसरे माँ अगर मेरे बेटे को माँ बोले उसमें तो अच्छी बात है ना, बुराई क्या है। कृष्ण ने देखा मैया मेरे साथ में, फिर छाती चौड़ा हो गई, बोले ना मैया मेरे साथ में। फिर जो फल लाए थे उन्होंने फल को अमनिया करके ठाकुर को भोग लगाए, सारे सखाओं को फल खिलाए, लेकिन फल बेचने वाली थोड़ी दूर गई तो देखा टोकरी भर गया, बोले इतना भोजन कैसे हो गया, उतार करके देखती हैं धन रत्नों से एकदम भरा पड़ा हुआ हीरे जवाहरात से। बोले प्रभु मेरे को ये चीज देख करके आप ठगना क्यों चाहते हो, मैं तो चाहता हूँ दिन में एक बार केवल आपकी दर्शन हो, केवल यही चाहती हूँ। उसने लेकर के सबके सब यमुना में उड़ाल दी। गुरुदेव कहते हैं उसको बाद में फिर कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। गुरुदेव कहते फिर कहाँ गई, बोले ठाकुर जी अपना धाम में उसको स्थान दे दिया। इसलिए कहते ठाकुर जी ऐसे ऐसे प्यारी प्यारी लीला करते हुए संपूर्ण ब्रजवासियों को कृष्ण पूरा अमृत लीला में उनको डुबो करके रखते थे। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी आपको प्यारी प्यारी रामचंद्र प्रभु जी कथा सुनाएंगे। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणगोस्वामी इति नाम्ने। श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षं उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तुमां शिरसा नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्याय नाम्ने घोरद्वेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति देवी सत्यवते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णव के चरणों में यथायथ दंडवत प्रणाम। महाराज जी ने मुझको माइक के आगे बैठा दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं। उनके सामने सारी कथा बोल दी महाराज जी ने,
तो कुछ छोड़ा ही नहीं। कल रामचंद्र प्रभु सारी कथा बोल दी है, कथा सुने थे कि नहीं? कल रामचंद्र प्रभु ने सारी कथा सुना दी, इतने गुरुदेव ने कथा सुनाई थी, सब स्मरण करा दिया गुरुदेव। तो गुरु महाराज जी हम लोगों को कार्तिक के महीने में ब्रजमंडल परिक्रमा के बहाने, ब्रजमंडल परिक्रमा के बहाने बजा लाते हैं। बजा लाते समझते ना, जैसे बंदर को पकड़ा जाता है ना दाना डाल के, दाना डाल के। हम लोगों की आदत है घूमने फिरने की, तो घूमने फिरने की आदत, तो चलो ब्रजमंडल परिक्रमा में घूमेंगे फिरेंगे। तो घूमने फिरने के चक्कर में हमें यहाँ बुला लेते थे, और बुलाकर कृष्ण कथा को सुनाकर एकदम डुबो देते थे, अच्छी तरह से डुबो देते थे। देखो हम लोगों की एक आदत है, पता है क्या आदत है? कहानियां सुनना। क्या सुनना? वी आर इन हैबिट ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। नॉवल पढ़ेंगे ना तो क्या है? कहानी। मूवी देखने जाएंगे तो क्या है? कहानी। पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिशियनों की कहानी। फिल्मों की बात करेंगे तो बॉलीवुड वालों की कहानी। अगर एक दूसरे से बात करेंगे तो तेरी और मेरी कहानी। कहानियों के जिंदगी में, कहानियों में हम अपनी जिंदगी बिताते हैं, और हमें हैबिट है कहानियों की। जब वो बच्चे होते हैं ना तो बाल कथाएं, बाल कहानियां, चंपक की कहानियां, बेताल की कहानियां, बच्चों को भी कहानियां। कहानियों की हमें आदत है, बड़ी भयंकर आदत है। लेकिन जब हम भक्ति में आते हैं तो फिर हम कथाएं सुनते हैं। वो कथाएं हैं कृष्ण की, ऊपर से वो भी कृष्ण स्टोरीज लगती हैं, वो भी क्या लगती हैं? कहानी। अब ये प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण की कहानी और संसार की कहानियों में अंतर क्या है? What is the difference? अंतर क्या है? तो अब अंतर ये समझना है, बड़े प्यार से समझना है। इस संसार में जितनी भी हम कहानियां सुनते हैं उनमें जो कथानक है, उनमें जो हीरो है, जिसके बारे में सुनते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। हम पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए, फला हीरो है, फला हीरोइन है, वो हीरो हीरोइन की कहानी आपने देख तो ली, आपका उससे कोई रिश्ता है, कोई उससे नाता है? उससे रिश्ता नाता नहीं है। उपन्यास पढ़ लिया, उससे रिश्ता नाता नहीं है। एक दूसरे की कहानी सुना ली, उसमें ना दूसरे से तुम्हारा रिश्ता, ना तुम्हारा उससे रिश्ता। लेकिन जब हम शास्त्रों के पास जाते हैं और कृष्ण की कथा सुनते हैं, इस कथा में और उन कहानियों में बस अंतर इतना है कि इसमें संबंध है, संबंध तत्व है, और उसमें संबंध तत्व नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। संसार की कहानियां बिल्कुल डाल से टूटी हुई पत्तियां हैं, और भगवान की कहानियां डाल में जुड़ी हुई फल हैं। हम उन कहानियों को सुनते हैं, उसकी आदत में पड़े हुए हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है।
सुनते हैं, पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, आगे थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। लेकिन जब हम भगवान की कहानी सुनते हैं तो उसमें हमको उस व्यक्ति के बारे में सुनाई दिया जाता है जिससे हमारा क्या है, संबंध है। वो भी संबंध कैसा है, परमानेंट संबंध है। एक तो हम उनके बारे में सुनते हैं जिनसे हमारा परमानेंट संबंध है, उसके बारे में सुनने से हमारे को उनके प्रति आकर्षण पैदा होता है, उनके प्रति हमारा दिलचस्पी पैदा होती है और उनके सेवकों के प्रति हमारी दिलचस्पी पैदा हो जाती है। इसे लोभ कहते हैं। ये दिलचस्पी क्या कहलाती है, लोभ कहलाती है। और जब हम कथाओं को सुनते हैं, शास्त्रों को सुनते हैं, उसमें खाली यही नहीं बतलाया जाता है कि हमारा संबंध किससे है, उसमें ये भी बतलाया जाता है कि उस संबंध को प्राप्त कैसे करना है। अब लड़की को ये तो बतला दिया जाए कि तेरा ये लड़के से रिश्ता होना है और रिश्ता किया ना जाए तो वो कहेगी क्या फायदा बतलाने का। तो हमारे यहाँ ये दो चीजें हैं, एक तो संबंध बतलाया जाता है और दूसरा संबंध कैसे जोड़ना है इसको भी बतलाया जाता है। अब संबंध कैसे जोड़ना है इसको बतलाया जाए, इसको ही हमारे शास्त्रों में कहा है अभिधेय तत्व। अभिधेय क्या है कि कैसे जोड़ना है। अब देखो, संसार की कहानियां हमारे कानों में घुसती हैं, हमारे हृदय में आती हैं, ये हमारे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, ये हमारे को लोभ मोह में फंसाए रखती हैं। लेकिन भगवान की कहानी जब हमारे हृदय में आती है तो भगवान की तरफ हमें जोड़ती है। इसे ही समझाने के लिए गुरुदेव ये परिक्रमा कराया करते थे। अब यहाँ बैठ के क्या करेंगे, उन्हीं कथाओं को बार बार सुनेंगे, उन्हीं कथाओं को बार बार सुनेंगे, लेकिन उन कथाओं को बार बार सुनने के बावजूद भी एक नया रस पैदा होता है उसमें, नया आस्वादन होता है उसका। पूछो क्यों होता है नया आस्वादन, नया रस क्यों पैदा होता है। मैं ना जब गुरुदेव मथुरा में थे ना, कथा किया करते थे, तो दिल्ली से मथुरा आ जाया करता था हफ्ते में 3 या 4 बार, 4 बार तो आ ही जाता था। ट्रेन का पास बनवा रखा था MST, 400 रुपये का पास बनता था, और 400 रुपये में पूरे महीने में कितनी बार भी जाओ और कितनी बार भी आओ, 400 रुपये उसमें 400 रुपये। हाँ, ट्रेन में बैठ के मैं जाता था तो जनरली क्या होता था कि 12-1 बजे की ट्रेन पकड़ता था या 3 बजे की ट्रेन पकड़ता था, 6 बजे मथुरा पहुंच गए। मथुरा जब पहुंच गए तो गुरुदेव की कथा 6 बजे के करीब शुरू होती थी। ये वृंदावन से आ जाते थे, वो भी सविता भी आती थी, सब लोग बैठ जाते थे, बहुत अच्छा एक कॉन्ग्रीगेशन बैठा होता था और गुरुदेव कथाएं सुनाया करते थे। बृहद भागवत मृत पे उनकी एक बड़ी लंबी सीरीज चली, गुरुदेव ने रसायन पे बहुत लंबी कथा सुनाई तो गुरुदेव सुनाया करते थे। फिर मैं रात को रुक जाता था और सुबह उनके साथ वो डैम्पियर पार्क में सैर करने जाते थे। वो सैर करना एक शौक होता था गुरुदेव के साथ जाना, और उस समय सैर करते समय कोई उनके साथ भीड़ भाड़ नहीं होती थी, खाली हमारे पुरंदर प्रभु नरसिंह महाराज होते थे। तो बीच में रुक रुक के गुरुदेव कई बार अच्छी अच्छी बातें बतलाया करते थे। मुझे ध्यान आ रहा है एक दिन बोले, चलते चलते, क्योंकि मैं इस्कॉन में था, इस्कॉन से धीरे धीरे मैं उनके पास आ रहा था और इस्कॉन वालों ने, एक ग्रुप ने
गुरुदेव के बारे में बहुत उल जलूल बोला, बहुत उल्टा सीधा बोला। तो गुरुदेव एक दिन बोलते हैं कि देखो, अगर एक सन्यासी खड़े होकर बोलते हैं, एक सन्यासी है तो गलत बात, बांताशी बन जाए, विवाह करा लेता है, उसकी भक्ति कितनी खत्म हो जाएगी। मैं चुप, मैंने कहा क्या बताऊं मैं कि अगर उसने विवाह करा लिया तो भक्ति कितनी खत्म। बोलते हैं उसकी भक्ति स्थिर हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। स्थिर होने का मतलब समझते हो कि जहाँ पे है वो खड़ी हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। फिर अब कई समय के बाद फिर वहाँ जहाँ से शुरू खत्म की है वहाँ से शुरू करेगी। लेकिन मैं सन्यासी बना रहा हूँ और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और बड़े बड़े आचार्यों की निंदा करनी शुरू कर दूं, तो दिखने में तो मैं सन्यासी हूँ लेकिन मेरी भक्ति जो है वो पूरी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो खैर, मैं दूसरी बात बतला रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़्यादा मेरे से बोला भी नहीं जाता है। तो मथुरा से मैंने ट्रेन पकड़ी, सुबह की बात है, और मैं दिल्ली आ रहा था। तो ट्रेन में जो जनरल डिब्बे होते हैं, तो एक नीचे क्या कहते हैं वो है और एक ऊपर होती है। मैं ऊपर जाके बैठ गया ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो आगरा से दो महिलाएं आ रही थी, माँ बेटी थी, और एक उनका साथ में छोटा बेटा था। वो बेटा तो मुश्किल से 10-11 महीने का होगा या एक साल का होगा, और टोनी उसका नाम था। हाँ, मुझे नाम याद है। अब क्यों नाम याद है कि मैं जब ऊपर बैठा, ट्रेन 3 घंटे लेती है, 3 घंटे वो जो महिला थी, माँ थी उसकी, वो अपनी माँ को सुना रही है, टोनी ये करता है, टोनी ये करता है, टोनी ये करता है, टोनी जब इसका पापा आता है तो वो ये करता है, जब इसका दादा आता है तो ये करता है, जब इसका चाचा आता है तो ये करता है। वो 3 घंटे तक टोनी कथा ही सुनाती रही। हाँ, तो मैंने ये देखा कि हम जिससे प्यार करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसके बारे में बोलने में हमें एक चीज़ को 10 बार भी रिपीट करना पड़े, कहीं पे भी कोई कष्ट नहीं होता है। अखबार दूसरी बार नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन बेटे का नाम 1000 बार ले सकते हैं। हम उसके बारे में एक ही बात को 10 बार बतला सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, उससे प्रेम है, उससे प्यार होता है। तब मैंने ये नतीजा निकाला है कि प्रेम होने से हम जिसका प्रेम करते हैं उसकी नाम बाद में बार बार लेते हैं और उसके बारे में बार बार बोलते हैं। अब इसका उल्टा अगर हम कर दें, वो भगवान की कथाओं पे हो जाता है। क्या उल्टा कर दें? जिसका नाम हम बार बार लेंगे, जिसकी हम कथाएँ बार बार सुनेंगे, उससे हमें प्रेम हो जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उसका हम नाम बार बार लेते हैं, और जिसका नाम हम बार बार लें उससे प्रेम हो जाएगा। जिसका नाम हम जिससे प्रेम करते हैं उसके बारे में बार बार सुनते हैं, और अगर हम उसके बारे में बार बार कहें तो उससे हमें प्रेम हो जाएगा। ये प्रेम पैदा करने का एक नियम है, ये सिस्टम है। तो कृष्ण कथाओं को बार बार सुनने से, बार बार सुनने से उससे हमारे को प्रेम पैदा हो जाएगा। किससे प्रेम पैदा हो जाएगा? जो हमारे हैं वो हमारे हो जाएंगे। देखो सीधी सी कहानी, जो हमारे हैं वो हमारे हो जाएंगे। और बाहर वाले लोगों की कथाएं सुनने से, मैं बतला रहा हूँ, एक ज़माने में जब मैं युवा अवस्था में था, फिल्मों के बड़े बड़े हीरो बड़े मशहूर थे। एक राजेश खन्ना नाम का हीरो था, उसके पास लड़कियां इतनी मरती थीं कहने की बात नहीं। अब राजेश खन्ना तो उसको मिलने वाला नहीं है। कई लोग अपनी नसें कटवा लेती थीं, कुछ कर लेती थीं, लेकिन राजेश खन्ना तो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि राजेश खन्ना और वो तो एक है नहीं, उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। पर क्यों वो इतना प्यार करने लगी? एक व्यक्ति को बार बार सुनो, बार बार देखो, तो संसार में भी क्या हो जाता है?
प्यार हो जाता है, पर वो चीज़ हासिल नहीं हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन ही मिलती है हाथ में। लेकिन अगर भगवान को भी हम बार बार सुनेंगे, बार बार कहेंगे, उनसे प्यार हो जाएगा और वो हासिल भी हो जाएंगे, वो प्राप्त भी हो जाएंगे। ये है इस सारी परिक्रमा का गूढ़ अर्थ कि हम बार बार उनको सुनें, जहाँ पे उनकी लीलाएं हो रही हैं वहाँ बार बार जाएं, बार बार उसको देखें, तो वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। गौर प्रेमानंद। चलो जी, अब बहुत हो गया महाराज जी, छुट्टी दे दो इनको। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
Hari Hari Namah.